गैलेक्सी S11 जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, अभी कुछ महीने दूर हैं हम गैलेक्सी S11 के बारे में। लेकिन कल एक मोबाइल लॉन्च के अंदर एक टर्म सुनने को आई, 108 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये कैमरा क्या है, इस कैमरा में क्या होगा, कैसे होगा, किस फोन में हमें देखने को मिलेगा, क्या इसकी प्राइस हो सकती है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस कैमरा पे क्या है कि। सबसे पहले हम कैमरा की बात करते हैं। हम यदि बात करें 10-15 साल पहले की, तो हमारे पास कैमरा हुआ करता था 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 1.2 मेगापिक्सल, 1.3 मेगापिक्सल, वो कैमरा ठीक था, हम फोटो वगैरह उससे खींच लेते थे। फिर कैमरा आया 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल कैमरा आया, वो भी चलो ठीक है, फोटो जो है हमारी इनहेंस हुई, काफ़ी अच्छा फोटो हम मोबाइल से ले सकते थे। फिर बाद में आया 48 मेगापिक्सल, दैट मान सकते हैं चलो वो भी अच्छा था, 48 मेगापिक्सल कैमरा नीड हो सकती है जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें 48 मेगापिक्सल की। उसके बाद में 64 मेगापिक्सल कैमरा मार्केट में आने ही वाला था, लेकिन इससे पहले 108 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो मार्केट में आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपने कल का यदि हमारा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाके आप हमारे कल का वीडियो देख लीजिएगा, मी मिक्स अल्फा के बारे में, जिसके अंदर जो है फोन के अंदर 4D कर्व डिस्प्ले के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो मैन्युफैक्चर किया है सैमसंग ने, और जाहिर सी बात है यदि सैमसंग ने वो कैमरा मैन्युफैक्चर किया तो सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन में वो कैमरे को यूज करने वाला है। उस कैमरे के अंदर क्या है कि 5x ऑप्टिकल जूम हमें देखने को मिलता है। ये नाम बड़ा सिमिलर सा देखने को मिलता है कि ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम, लेकिन इनके अंदर काफी डिफरेंस है। डिजिटल जूम क्या होता है कि कोई भी आप फोटो कैप्चर करते हो तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी फोटो को क्रॉप करके सॉफ्टवेयर की मदद से जूम करता है, कोई एक्सटर्नल उसके अंदर लेंस वगैरह ये ऐसी कोई चीजें यूज नहीं की जाती। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्टिकल जूम की, तो उसके अंदर क्या होता है कि लेंसेज यूज किए जाते हैं और वो लेंस की जो है आगे पीछे वो मूव करते हो, उसकी मदद से वो जूम किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली जूम के अंदर, ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम के अंदर। तो सैमसंग ने जो कैमरा बनाया है 108 मेगापिक्सल का, इसके अंदर 5x ऑप्टिकल जूम देखने को हमें मिलेगा। मतलब कि जूम की जो आपकी क्लियरिटी होगी वो पिक्सल आपके फटेंगे नहीं, जूम आपका एज इट इज जो है वो रहेगा, और 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको फोन के अंदर देखने को मिलेगा गैलेक्सी फोन में। ये सैमसंग के गैलेक्सी S11 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, शायद तक ये 2020 के अंदर ये हमें देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से। लेकिन Xiaomi में इनने तो भैया पहले से ही ये फोन लॉन्च कर दिया, जिसकी प्राइस 198,000 रुपए, मेरे तो होश उड़ गए एक Xiaomi के फोन की प्राइस सुनके। आप मेरे को बताइएगा, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताइएगा, क्या आप अपने स्मार्टफोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहते हैं, 5x ऑप्टिकल जूम चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो इसका क्या यूज आप करना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और भैया जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है ना कि ये कैमरे को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पहले 2 मेगापिक्सल, फिर 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, अब 108 मेगापिक्सल, अगला कैमरा क्या होगा, 256 मेगापिक्सल, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये इस तरीके से कैमरा बढ़ा रहे हैं, जूम बढ़ा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है स्पेस एजेंसियों को, नासा वगैरह को ताला लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ही फोटो खींच लेंगे, इन्हें किसी ग्रह पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, और जूम कर करके ओप्पो और सैमसंग को बैठा दो, बैठ के कैमरा बना लेंगे। ओप्पो के रेनो सीरीज के अंदर तो बस जूम के मामले में पूछो मत, वो फोन ही जूम के कारण बिक रहा है। भैया इतना जूम करके करोगे क्या, किसके घर में जाओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी इंतजार करोगे मेरे जैसे 108 मेगापिक्सल कैमरा की, ताकि आपकी फोटो और भी अच्छी हो सके। और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेकर आने की हिम्मत मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, लाइक कर दो यार, कुछ नहीं जाता, शेयर कर दो, फ्री है, वैसा नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।